मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कार को देखते हैं जो कि एक सुनसान रोड पर बहुत तेजी से जा रही होती है और देखते ही देखते अचानक उस कार के सामने कोई आ जाता है और कार का कंट्रोल बिगड़ जाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं ये सीन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठी होती है और ये फैमिली एक वेजिटेरियन फैमिली होती है। अब हम एक जस्टिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती है। जस्टिन की मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली से भी अपने वेजिटेरियन रूल को फॉलो करवाती है। अब जस्टिन की मॉम के खाने में गलती से एक चिकन का टुकड़ा आ जाता है और इस बात पर जस्टिन की मॉम रेस्टोरेंट वालों से लड़ने झगड़ने चली जाती है। जस्टिन फुल वेजिटेरियन होती है या हम ये भी कह सकते हैं उसकी मॉम उसे वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करवाती है। अब जस्टिन एक स्कूल में एडमिशन लेती है और उसका ये फर्स्ट ईयर होता है और इस स्कूल में जस्टिन की बहन एलेक्सिया एक साल पहले से पढ़ रही होती है और एलेक्सिया जस्टिन की सीनियर होती है और यही नहीं बल्कि इनके पेरेंट्स ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है। अब जस्टिन के पेरेंट्स उसे स्कूल छोड़ देते हैं और पहली रात ही जस्टिन की रैगिंग हो रही होती है और यहाँ सीनियर आते हैं और सारे जूनियर्स की लाइन लगाकर उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं और यहाँ पर ऐसा मॉल बनाया गया होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है यहाँ कुछ गलत होने वाला है और वो जिस जगह पर होते हैं वहाँ पार्टी चल रही होती है और उसी जगह पर जस्टिन को उसकी बहन एलेक्सिया मिलती है और एलेक्सिया जस्टिन को वहाँ से ले जाती है। अब नेक्स्ट डे दोबारा न्यू स्टूडेंट की रैगिंग की जाती है और उन सबके व्हाइट कोट पर खून गिरा दिया जाता है और उन्हें कुछ दिन तक ऐसे ही रहने को कहा जाता है। अब सीनियर्स जूनियर से कहते हैं उन्हें यहाँ बिल्कुल मजे में रहना है। अब सीनियर्स जूनियर से फिर से मजे लेने के लिए सीनियर्स उन्हें रैबिट की किडनी खाने को फोर्स करते हैं जिस पर जस्टिन उन्हें मना कर देती है पर एलेक्सिया जस्टिन की बहन होने के बावजूद उसे जबरदस्ती ये खिला देती है। अब जस्टिन ने फर्स्ट टाइम मीट खाया था इसलिए उसे काफी अजीब सा फील हो रहा होता है। अब रात में जस्टिन को अपने स्किन पर कुछ महसूस होता है और जस्टिन को काफी भयानक रैशेस हो गए थे। अब सुबह जस्टिन डॉक्टर के पास जाती है जिस पर डॉक्टर कहती है घबराने की कोई बात नहीं है, ये शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है और ये होना एक नॉर्मल बात है, पर असल में बात कुछ और थी और वो नर्स जानती थी कि उसे क्या हुआ है क्योंकि ऐसा केस वो पहले भी हैंडल कर चुकी थी। अब जिस दिन जस्टिन ने मीट का टुकड़ा खाया था वो बहुत बदल गई थी और अजीब सी हरकतें कर रही थी। अब नेक्स्ट डे एड्रिन जो कि जस्टिन का रूममेट है वो जस्टिन को बाहर फ्राइड मीट खिलाने के लिए ले जाता है क्योंकि उसने एक मीट का टुकड़ा चुराने की कोशिश की थी। अब जस्टिन को मीट की काफी बुरी लत लग गई थी और बिना मीट के जस्टिन का गुजारा नहीं हो रहा था और उसे मीट की इतनी तलब लग रही होती है कि वो फ्रिज में से कच्चा मीट निकाल कर खाने लगती है जो कि उसे काफी पसंद आता है। अब जस्टिन के बदल जाने से उसका पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा था और इस वजह से उसके मार्क्स भी काफी कम आ रहे थे जिस पर प्रिंसिपल जस्टिन को वॉर्न करते हुए पढ़ाई पर फोकस करने को कहते हैं। अब एक दिन जस्टिन फील करती है कि शायद से उसने किसी के बाल निकल लिए हैं जिसके बाद वो उल्टी कर उन बालों को बाहर निकालती है जो कि उसी के बाल होते हैं। जस्टिन की सिस्टर एलेक्सिया उसके मुकाबले बहुत तेज होती है। एक दिन ये दोनों बहनें एक साथ एक रूम में होती है जहाँ पर एलेक्सिया जस्टिन के बॉडी पार्ट्स के हेयर को नोटिस करती है और उन हेयर्स को काटने के लिए वो जस्टिन को बेड पर लेटा लेती है और कैंची से उसके बाल काटने की कोशिश करती है पर जस्टिन एलेक्सिया को लात मारकर परलोक में पहुंचा देती है। अब अचानक से एलेक्सिया की एक फिंगर कट जाती है और अपने हाथ का ये हाल देखकर एलेक्सिया वहीं बेहोश हो जाती है और ये देखकर जस्टिन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। एम्बुलेंस को आने में कम से कम 15 मिनट लगने वाले थे। अब जस्टिन एलेक्सिया की कटी हुई फिंगर को उठाती है और उसके आने वाले खून को पीने लगती है और देखते ही देखते उसकी फिंगर को खा जाती है। दरअसल जस्टिन एक आदमखोर थी। अब अचानक से एलेक्सिया को होश आ जाता है और वो देखती है जस्टिन उसकी उंगली खा रही है और ये देखकर एलेक्सिया शॉक हो जाती है। अब एलेक्सिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके पेरेंट्स भी वहां आते हैं। अब एलेक्सिया उन्हें रियलिटी नहीं बताते कि उसकी फिंगर जस्टिन खा गई है। अब इधर वक्त के साथ साथ जस्टिन काफी ज्यादा बदलती जा रही थी। अगली सुबह एलेक्सिया जस्टिन को एक सुनसान रोड पर ले जाती है और यहाँ हमें एक बड़ी हकीकत के बारे में पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अचानक से कोई कार के सामने आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो एलेक्सिया थी। दरअसल एलेक्सिया ऐसा करती रहती थी क्योंकि एलेक्सिया भी एक आदमखोर थी और वो एक्सीडेंट में घायल लोगों का पूरा खून पी जाती थी और उनका बहुत सारा मांस खाती थी। अब ये देखकर जस्टिन को काफी बुरा लगता है और वो एलेक्सिया को ये सब करने को मना करती है जिस पर एलेक्सिया कहती है तुम बिना मीट खाए नहीं रह सकती और मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। अब उस दिन जस्टिन खुद पर कंट्रोल कर वहां से वापस अपने स्कूल आ जाती है। अब जस्टिन को अपने रूममेट एड्रिन से प्यार हो जाता
जाता है, पर अब वक्त के साथ साथ वो खून की प्यासी होती जा रही थी। वो दोनों बहनें जानती थी कि वो एक आदमखोर है। एलेक्सिया जस्टिन से कहती है, तुम इस रियलिटी को छुपा नहीं सकती और तुम्हें इस हकीकत को अपनाना होगा। अब जस्टिन की हालत खराब होती जा रही थी क्योंकि उसके नोज से ब्लड आ रहा था। अब एक रात जस्टिन और एड्राइन एक साथ होते हैं और यहाँ ये दोनों भटाभट कर रहे होते हैं और यहाँ जस्टिन की असलियत एड्राइन के सामने आ जाती है क्योंकि उसने कई बार एड्राइन को खाने की कोशिश करी थी और एड्राइन को जस्टिन का ये बिहेव काफी अजीब लग रहा था। अब जस्टिन एड्राइन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी इसलिए वो खुद को ही काट लेती है। अब एक रात दारू पीने के बाद जस्टिन होश खो बैठती है और इधर एलेक्सिया उसकी भूख मिटाने के लिए उसे मुर्दा घर ले जाती है और वो मुर्दों को ही खाने लगती है और उसे ऐसा करते वक्त स्कूल के सारे बच्चे देख लेते हैं और जस्टिन को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो सबके सामने ही अपनी बहन से लड़ने लगती है और इस लड़ाई में एलेक्सिया जस्टिन का काफी बुरी तरीके से फेस काट लेती है और यहाँ उनकी ये रियलिटी सबके सामने आ जाती है और सब उनसे नफरत करने लगते हैं। अब एक दिन जस्टिन की आंख खुलती है तो वो देखती है एड्राइन मरा हुआ पड़ा है और उसकी टांग को बहुत बुरी तरीके से किसी ने खा लिया है। अब ये देखकर जस्टिन बहुत डर जाती है और इन सबका जिम्मेदार खुद को ठहराने लगती है। उसे लग रहा था कि एड्राइन का ये हाल उसने किया है, पर ये सब जस्टिन ने नहीं बल्कि एलेक्सिया ने किया था और इस मर्डर की वजह से एलेक्सिया को जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ इस मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है कि उनके पेरेंट्स को मालूम था कि उनके बच्चे आदमखोर हैं और इसलिए उनकी मदर ने उन्हें वेजिटेरियन बनाने की कोशिश की थी, पर वो इसमें नाकाम रही क्योंकि उसकी मदर भी एक आदमखोर थी और उसने खुद ही अपने हस्बैंड को चोट पहुंचा रखी थी। लेकिन इसके बाद भी वो अपने वाइफ के साथ रहना चाहते थे क्योंकि ये उनके नेचर में है और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। और अब जस्टिन की वजह से कई लोग मरने वाले हैं और इसी तरह यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।